सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस एक दिवसीय कार्यशाला के अंदर इस क्षेत्र से पधारे हुए सभी अधिकारीगण एवं आज के इस कार्यक्रम के सभी मुख्य अतिथिगण का मेरी तरफ से इस कार्यक्रम के अंदर सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर शंकर और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को डॉक्टर अरुण सर के साथ में, तोमर सर के साथ में और इनके संस्थान के साथ में काम करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सर ने यहाँ पे मेरे को आने के लिए मौका दिया, मेरी बात को यहाँ पे रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए भी संस्थान का तहे दिल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सुजीत दत्ता सर पधारे हैं। मैं सर के सामने कुछ प्रॉब्लम्स जो फार्मर फील्ड पे फार्मर फेसेस जो कर रहे हैं, वेटरनरियन जो फेसेस कर रहे हैं, उनके बारे में भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर बताना चाहूंगा। साथ ही साथ के अंदर फार्मर इस स्कीम को, सर ये एक ऐसी स्कीम है एनएलएम स्कीम, आज के समय में चाहे मैं, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में फार्मर के साथ में भी कार्य किया है, हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में भी कार्य करते हैं। ये सर एकमात्र ऐसी स्कीम है जो आज के समय में प्रत्येक पशुपालक, प्रत्येक ग्रामीण के और प्रत्येक जो फार्मर डेयरी फार्मिंग के अंदर काम कर रहा था उसके मुंह पे पहली कोई स्कीम आ रही है। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम है, ऐसी स्कीम के ऊपर मेरे को बोलने का मौका मिला है, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम आप लगभग आप सभी साथी जानते हैं, 2014-15 के अंदर इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा की गई। इस स्कीम में उस समय छोटे लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने के लिए स्कीम्स थी, जिसमें 10 से लेकर के 50 भेड़ या बकरी पालन पे कोई किसान काम करता था तो उस पे सब्सिडी भी कम मात्रा में उस समय दी जाती थी, पर फिर भी उससे किसान और पशुपालक इतने प्रेरित हुए, इतना उन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया, उसको देखते हुए भारत सरकार ने 2021-22 के अंदर इसमें अमेंडमेंट्स करके इस स्कीम को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करके और बड़े लेवल पे इस स्कीम में बड़े प्लेयर तैयार करने के लिए कार्य किया। इसके लिए मैं एनएलएम के शीर्ष अधिकारियों का और उच्च स्तर पे जो बैठे हुए अधिकारीगण हैं भारत सरकार का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम के यदि मैं मुख्य ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं तो इसके अंदर बेसिकली ऐसे किसान जो इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं उनको प्रेरित करना, उनको आगे बढ़ाना और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए फार्मर को प्रोत्साहित करने के लिए ये मुख्यतः स्कीम है। साथ ही साथ में आज हम लोग देख पा रहे हैं कि पशुपालन में हम सब लोग काम करते हैं, पशुपालक की जो सबसे बड़ी इश्यू है, सबसे बड़ी जो पशुपालक के साथ में चैलेंजेस आ रहे हैं कि फीड एवं फोडर के रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं, फीड एवं फोडर की अवेलेबिलिटी और बहुत कम हो रही है। आज मैं देख पा रहा हूँ, आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर तक हमारे राजस्थान से भेड़ एवं बकरियों के लिए चारा आता है। मैं बेसिकली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, मेरे हनुमानगढ़ से बॉम्बे तक और मेरे हनुमानगढ़ से जम्मू कश्मीर तक चारा, गवार का चारा या फलक्टी जिसे बोलते हैं, या राजस्थान से जो खेजड़ी की पत्तियां होती है उसे पशुपालक भेड़ बकरी पालक खरीद करके लेके जाता है, क्योंकि वो उसके लिए इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू उसके अंदर है। तो उसका सब्स्टिट्यूट किस तरह से, जैसे आज के समय में इस स्कीम में साइलेज प्रोडक्शन के लिए भी यूनिट है वो एस्टेब्लिश की गई है, तो इस तरह के फार्मर के लेवल पे चाहे सीप एंड गोट प्रोडक्शन की बात हो, चाहे स्टॉल फीडिंग की बात हो, चाहे फीड एंड फोडर से रिलेटेड बात हो, या फार्मर के अंदर अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीजें हो वो सब इस स्कीम के अंदर स्टार्ट की गई है। इसके साथ ही साथ में यदि मैं बात करूं कि चार इसमें मुख्यतः एक्टिविटीज रखी गई है, जिसमें भेड़ एवं बकरी पालन, ग्रामीण स्तर पे मुर्गी पालन, पिग फार्मिंग एवं मैंने एक साथ में बताया कि फीड एंड फोडर प्रोसेसिंग पे भी इस स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट है वो अलग अलग रखे गए हैं, ये सब फार्मर के लिए अवेलेबल है। अपन आज का ये जो प्रोग्राम है ये खास करके भेड़ पालन पे है, भेड़ एवं बकरी पालन के अंदर इस स्कीम के अंदर जो पॉइंट रखे गए हैं उन पे यदि मैं बात करूं तो इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव यानी ऐसे प्लेयर तैयार करना जो कॉमर्शियल
सिस्टम के अंदर आकर के और बड़े लेवल पे कॉमर्शियलाइज इस भेड़ एवं बकरी पालन पे काम कर सके, एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना, साथ ही साथ में पर एनिमल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, जैसे मैं बात करूं दूध उत्पादन बकरी के अंदर बढ़ाना, भेड़ के अंदर ऊन उत्पादन बढ़ाना, साथ ही साथ में मीट प्रोडक्शन के लिए पर एनिमल प्रोडक्शन इम्प्रूव करना, पोल्ट्री के अंदर एग प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पिग के अंदर भी मीट प्रोडक्शन बढ़ाना। तो इसके साथ साथ में इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, क्योंकि आज के समय में फार्मर साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको बढ़ावा किस तरह से दिया जाए वो सब इस स्कीम के अंदर रखा गया है। स्टॉल फीडिंग, आज के समय में ऑलमोस्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रेजिंग लैंड है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, तो ग्रेजिंग एरिया घट रहा है उसके कंपैरिजन के अंदर या उसके एवज में स्टॉल फीडिंग करके फार्मर किस तरह से अच्छा बिजनेस तैयार कर सकता है, ये सभी स्कीम के मुख्य ऑब्जेक्टिव है। लगभग लगभग आप सभी साथी इनके बारे में जानते हैं। इस स्कीम के अंदर जो भेड़ एवं बकरी पालन में पांच अलग अलग यूनिट 2021-22 में इसमें जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में इसमें तैयार की गई, उस समय भी लगभग पहले 500 भेड़ एवं बकरियों पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था, जो बहुत बड़े लेवल पे काम था। नॉर्मल पशुपालक के लिए, नॉर्मल भेड़ एवं बकरी पालक के लिए 500 भेड़े या बकरियां पालना आसान नहीं था। उसके बाद में सरकार में इसने छोटे छोटे टुकड़े यानी 100 भेड़ बकरियों पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे और 500 पे इस स्कीम को शुरू किया, जिसके अंदर 100 फीमेल और 5 मेल पे जो इस स्कीम को स्टार्ट किया, इसके अंदर फार्मर को 10 लाख रुपए कैपिटल सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। 200 फीमेल और 10 मेल पे जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर उसमें 20 लाख रुपए कैपिटल सब्सिडी फार्मर को दी जाती है। 300 फीमेल के साथ में 15 मेल है उस पे 30 लाख रुपए दिया जाता है। ऐसे ही 400 फीमेल के साथ में 20 मेल जो रखे गए हैं उसके अंदर फार्मर को 40 लाख रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी की सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। और 500 फीमेल के साथ में जो 25 मेल की यूनिट इसके अंदर रखी गई है उसके अंदर 50 लाख रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी है वो फार्मर को दी जाती है। इसमें पैटर्न ऑफ असिस्टेंट यानी सरकार 50% कैपिटल सब्सिडी फार्मर को दे रही है, ये 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए के बीच में है, जिसकी अपन इसमें चर्चा कर चुके हैं। जब भी कोई किसान बैंक से लोन लेता है तो उसे 100% कभी भी लोन नहीं दिया जाता, 10% मिनिमम मार्जिन मनी किसान को खुद को लगानी होती है। और इसके एवज में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा साथ में रखा है सेल्फ फाइनेंशियल, यदि किसान गवर्नमेंट से लोन नहीं लेना चाहता, बैंक से लोन नहीं लेना चाहता, 50% पैसा यदि फार्मर सामर्थ्यवान है तो वो 50% पैसा खुद लगा सकता है और 50% सरकार कैपिटल सब्सिडी उन्हें इस स्कीम के अंदर देगी। यदि कौन कौन इस स्कीम के लिए पात्र है इसकी यदि अपन बात करते हैं तो इंडिविजुअल फार्मर, अकेला किसान इसके अंदर आवेदन कर सकता है, एक ग्रुप बना करके फार्मर आवेदन कर सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, FPOs के माध्यम से किसान है वो आवेदन कर सकता है। अभी केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम थी 10,000 FPO बनाने की, तो FPO के माध्यम से भी इस स्कीम के अंदर कोई भी FPO आवेदन कर सकता है। जॉइंटली लाइबिलिटीज जो ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और सेंक्शन 8 के तहत जो कंपनीज है वो भी NLM स्कीम के अंदर आवेदन कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप इसके अंदर तैयार है, वो इंडिविजुअल फार्मर से लेकर के सेंक्शन 8 कंपनीज तक के लोग इसके अंदर कर सकते हैं। सबसे बेसिकली बात आती है कि ये सब जब अप्लाई करते हैं, इतनी बड़ी जो ये केंद्र सरकार की स्कीम है, 50 लाख रुपए सब्सिडी सुनते ही ना केवल एक किसान के मन में सपना उठता है, जबकि बड़े से बड़े जो अधिकारी कर्मचारी है उनके मन में भी ये एक सपना आता है कि हम भी 50 लाख रुपए की सब्सिडी लें, पर उसके लिए सबसे मेन आता है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ा इश्यूज आज के समय में फार्मर इस फेस भी कर रहा है और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से फार्मर पूरे डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से पेंडेंसी है वो आज के समय में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर बहुत ज्यादा लंबी देखी जा रही है। तो पर्टिकुलरली मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यदि है तो ठीक है, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। ये यदि फार्मर नहीं लगाता है तो भी इसमें किसी भी तरह की क्वेरी नहीं रखी जाती। एड्रेस के लिए यदि मैं इसके अंदर बात करता हूं तो किसान की, फार्मर की वोटर आईडी, ऑलमोस्ट सबके पास में वोटर आईडी होती है, कोई
कोई भी उसका बिल, जो उसका मोबाइल का बिल है, टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, या रेंट एग्रीमेंट है, या बैंक पासबुक की फोटोकॉपी पे जिसपे भी एड्रेस और फोटोग्राफ्स लगा हुआ होता है, वो इसके अंदर काम में एड्रेस प्रूफ के रूप में फार्मर ले सकता है। उसके बाद फार्मर की पासपोर्ट साइज फोटो, जैसे अपन कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं छोटी सी फोटो लगती है, ऐसे किसान की फोटो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय इसके अंदर लगती है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने का किसान का बैंक के साथ में किस तरह का लेन देन रहा है उसका स्टेटमेंट निकलवा करके और इसके अंदर ऑनलाइन जब आवेदन करते हैं तो उसके अंदर लगाना जरूरी होता है। सबसे मेन जो इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आज इस पे मैं एक छोटी सी सर के सामने बात भी रखूंगा जो चैलेंजेस है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग लेकर के फार्मर उस सर्टिफिकेट को लगाता है तो उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, या वेटनरी डॉक्टर से अपने नजदीक के अंदर जो भी सीनियर वेटनरी ऑफिसर है, वेटनरी ऑफिसर है, उससे अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके भी यदि किसान इस स्कीम में आवेदन करते समय लगाता है तो उसे भी वैलिड है, वो सरकार ने किया गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी एक बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर जब किसान आवेदन करता है, क्योंकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर स्टार्टिंग से लेकर के और एंडिंग तक की टोटल डिटेल्स रहती है और इसके अंदर फार्मर को कई सारी चीजें इसमें मेंशन करनी पड़ती है। तो ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेटनरी डॉक्टर की सहायता से भी पशुपालक किसान बनवा सकते हैं, और आज देश के सभी राज्यों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में जो पशुपालन विशेषज्ञ जो होता है उसकी सहायता से भी किसान प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करवा सकते हैं। लैंड डॉक्यूमेंट की काफी बड़ी समस्या फार्मर्स के साथ में थी, लास्ट टाइम हमने जब वर्कशॉप किया था तोमर सर के संस्थान के अंदर CSWRI में, तो ओपी चौधरी साहब आए थे, उसमें काफी हमने क्वेरीज भी रखी थी और आज हमें खुशी होती है कि ऑलमोस्ट उसमें से क्वेरीज पे सर ने काम किया है और उनके अंदर फार्मर को कुछ रिलैक्सेशन दिया है, पर आज भी फिर भी कुछ एक लेवल पे फार्मर्स के साथ में डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इश्यू आता है। तो यदि किसान के खुद के पास में जमीन है तो सबसे अच्छा है, नहीं है तो अपने माता पिता के नाम जमीन है, अपनी वाइफ के नाम जमीन है, या हस्बैंड के नाम जमीन है, तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवा करके लगा दे तो वो भी अभी सरकार ने वैलिड किया है, वो भी चल जाएगा। तो लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज फार्मर के साथ में था वो मोस्टली मीट आउट हो चुका है। इसके बाद में GI टैगिंग फोटोग्राफ्स, जिस जगह पे फार्मर फार्म लगाना चाहता है उस जगह की GI टैगिंग फोटो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बोलते हैं कहीं पे भी फार्मर ट्रेनिंग के अंदर जाता है उनको बोला जाता है, पर मोस्टली फार्मर 99% इस लेवल पे भी गलती करता है, GI टैग फोटो की वजह नॉर्मल अपने मोबाइल से फोटो खींच करके लगा देता है, फिर SIA के द्वारा कुछ क्वेरीज डाल दी जाती है। तो आप लोग भी वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं वो भी फार्मर को सजेस्ट करें, फार्मर को बताएं कि GI टैगिंग फोटो खींचिए जिसके ऊपर फोटो पे आपके यहाँ की लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड की लोकेशन आपके किस लोकेशन पे सारी डिटेल्स उस फोटो पे आएगी। और इसके अंदर एक और भी क्वेरी आ रही है फोटो से रिलेटेड, यदि आपकी फोटो में कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, कोई दीवार दिखाई दे रही है, पहले से कुछ बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है, तो भी दोबारा से क्वेरी आ सकती है। तो फार्मर को अवेयर करिए कि आप ऐसी फोटो लीजिए जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन ना हो और किसी भी तरह की उसमें कोई बिल्डिंग ना दिखे, जिस लोकेशन पे आपको फार्म करना है उस लोकेशन के आप GI टैगिंग फोटो ले। GST से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए, पर ये चाहिए यदि इंडिविजुअल फार्मर काम करता है तो उस फार्मर के लिए GST रिलेटेड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। यदि सेंक्शन 8 के थ्रू कंपनी के अंदर कोई फार्मर काम करता है तो उस केस के अंदर फिर GST रिलेटेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, इंडिविजुअल के केसेस के अंदर नहीं होती। आज के टाइम में 99% इंडिविजुअल केसेस ही आ रहे हैं, जॉइंटली ग्रुप के अंदर बहुत कम फार्मर है वो अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली स्पेस की एक बहुत बड़ा इश्यू है, फार्मर जब NLM के अंदर अप्लाई करता है तो उसको अलग अलग एरिया के अंदर फार्मर जो है चाहे कहीं से भी हो उसके लिए एनिमल्स के लिए शेड बनाना पड़ता है, तो शेड का साइज एक प्रॉपर होना भी ज्यादा जरूरी है, तो वो भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। 100+5 की यदि यूनिट फार्मर लगा रहा है तो उसके लिए 1800 स्क्वेयर फीट का सेट आवश्यक होता है, जिसके अंदर 1100+700 जो लिखा गया है, 1100 का मतलब मेल 5 मेल और 100 फीमेल के लिए 1100 स्क्वेयर फीट, प्लस उसके आने वाले समय में जो किडिंग्स होंगी जो बच्चे आएंगे उनके लिए, और कोई सिक एनिमल कोई बाई चांस बीमार एनिमल होता है तो उसे अलग करने के लिए 700 स्क्वेयर फीट का एक अलग पार्टीशन इसके अंदर
रखना होता है। ऐसे ही 200 प्लस 10 के लिए 3600 स्क्वायर फीट, 300 प्लस 15 के लिए 5400 स्क्वायर फीट, ऐसे ही 400 प्लस 20 के लिए 7200 स्क्वायर फीट और 500 प्लस 25 के लिए 9000 स्क्वायर फीट का शेड फार्मर को बनाना इसके अंदर आवश्यक होता है। जब भी वेटनरी डॉक्टर या पशुपालन विभाग की तरफ से फार्मर के यहाँ वेरिफिकेशन करने के लिए जाया जाता है तो उसके बाद में फार्मर को समझ में आता है कि हमें इसके अंदर इतना बड़ा शेड बनाना है। तो बेसिकली हमारे जो फील्ड वेटनरियन जो स्टाफ है उनको फार्मर को ये सब चीजें बतानी चाहिए। इसके अंदर किस तरह की प्रोसेस रहती है, इतना सब कुछ है, इतनी अच्छी सब्सिडी है, सब चीजें हैं, तो इसकी प्रोसेस क्या है। आज के समय में प्रत्येक फार्मर इसके बारे में लगभग लगभग जानता है। गांव के अंदर जो ई मित्र वाले किसान साथी होते हैं उनको भी इसके बारे में कुछ हद तक पता चल चुका है, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की वेबसाइट पे nlm.udyammitra पे जाकर के इसको ऑनलाइन आवेदन फार्मर कर सकता है। ऑनलाइन जब आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में अपनी एप्लीकेशन है वो स्क्रीनिंग के लिए जाती है स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के पास में, जो राज्य लेवल पे बनी हुई होती है। स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन एजेंसी उसकी स्क्रीनिंग करके बाय चांस किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो वो फार्मर को ऑनलाइन दोबारा क्वेरी डालती है और फार्मर के यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी जाता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर इस तरह की क्वेरी है, आप उसमें इंप्रूवमेंट करें और उसको सुधार करें। उसके बाद में स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन जो एजेंसी है फार्मर की तरफ से सारी चीजें क्वेरी क्लियर हो जाती है तो उसको बैंक लोन के लिए बैंक के पास में बैंक सैंक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए बैंक के पास में एप्लीकेशन को भेजती है। बैंक फार्मर के यहाँ पे जाकर के एक बार प्राइमरी लेवल पे वेरिफिकेशन करता है। हो सकता है बैंक फार्मर से कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांगे तो वो भी फार्मर को उसके अंदर देनी होगी, क्योंकि आज के समय में शायद 10 लाख से ऊपर का कोई किसान लोन लेता है तो वो विदाउट सिक्योरिटी के नहीं दिया जाता, तो फार्मर को सिक्योरिटी भी देनी होती है मोस्टली आजकल। ये भी आज तो खैर कुछ कम हो गया, स्टार्टिंग के अंदर जब 500 की यूनिट आई थी उस समय ज्यादातर देखा गया था कि 500 की जितनी भी एप्लीकेशन लगी थी वो कोलेटरल सिक्योरिटी की वजह से 95% तक एप्लीकेशन फार्मर की कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि फार्मर के खुद के पास में प्रॉपर्टी थी नहीं, एक बीघा जमीन थी और 500 भेड़ या बकरियों के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर वो बाद में सिक्योरिटी नहीं दे पाया, गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद में भी बैंक ने कैंसिल कर दिया। तो इस तरह का भी अपने को फार्मर को थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है कि आपके पास में कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी आपके पास में लैंड है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके अंदर अप्लाई करें। इसके बाद में बैंक से अप्रूव होने के बाद में बैंक से सैंक्शन लेटर जारी होने के बाद में जो SLEC के पास में रिकमेंडेशन के लिए जाता है, SLEC की मीटिंग लगभग स्टेट के अंदर मंथली होती रहती है, वहां से फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में सब्सिडी अप्रूवल के लिए जाता है और सब्सिडी अप्रूवल जब हो जाती है तो सिडबी बैंक के पास में फार्मर्स की फाइल है वो चली जाती है और सिडबी बैंक फार्मर के यहाँ पे जो भी सब्सिडी बनती है वो फार्मर के अकाउंट के अंदर सब्सिडी है वो भेज देती है, सॉरी फार्मर के अकाउंट में नहीं भेजती, बैंक के अकाउंट में भेजती है और बैंक फिर सारी चीजें होने के बाद में फार्मर का वेरिफिकेशन करने के बाद में जो एक फॉर्मेट 1 का फार्म भरने के बाद में बैंक किसान के खाते में वो सब्सिडी डालता है और किसान फिर अपना कंस्ट्रक्शन का और अपना पशु खरीदने का भेड़ बकरी खरीदने का काम करता है। वो सब्सिडी 50% आती है, 50% सब्सिडी जब फार्मर का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे किसी किसान ने 100 भेड़े एवं 100 बकरियों के लिए अप्लाई किया था तो जब वो 100 भेड़ या 100 बकरी ले आता है और जब वो पूरा सेट बना लेता है, जब चाफ कटर वगैरह मशीन वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर देता है तो रिमेनिंग सब्सिडी है वो 50% सब्सिडी के लिए दोबारा से अप्लाई करते हैं और दोबारा 1 to 2 month के अंदर उस किसान की सब्सिडी उसके खाते के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से NLM की प्रोसेस है वो रहती है। आज के समय तक इस NLM स्कीम NLM EDP का क्या स्टेटस है, देश के अंदर टोटल कितनी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, उनमें से कितनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, उसमें से कितने किसानों को सब्सिडी मिल चुकी है और कितनों को अप्रूवल मिल चुकी है, इसके बारे में भी मैं एक डाटा की बात करूं। मेरे पास में जो बेसिकली डाटा है वो मई 2024 तक का है, पिछले 3 से 4 महीने पहले तक का डाटा है, उसके आधार पर मैं बात करूंगा। एप्लीकेशन टोटल आज देश भर के
अंदर 9/5/2024 तक लगभग 31,401 एप्लीकेशन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की वेबसाइट पे पोर्टल पे आई है। उनमें से जो मैक्सिमम एप्लीकेशन है आप देख पा रहे हैं शिप एंड गुड से रिलेटेड है, लगभग 23,852। यदि मैं फीड एंड फोडर से बात करता हूं तो लगभग 1,000 के आसपास में एप्लीकेशन आई, और लगभग मैं यदि पोल्ट्री से रूरल पोल्ट्री से रिलेटेड बात करता हूं तो लगभग 5,000 के आसपास में एप्लीकेशन है, और पिग्री से रिलेटेड में यदि बात करता हूं तो लगभग 1728 एप्लीकेशन 9/5/2024 तक गोरवेट के पास में आई है। इसमें यदि मैं अप्रूवल की बात करूं कि ये जो एप्लीकेशन आई है उनमें से कितने फार्मर को अप्रूवल गोरवेट के द्वारा मिल चुकी है, सर थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी है कि कितना गैप है, क्योंकि किसान अप्लाई कर रहा है और उसका काम नहीं हो रहा, ये बात जरूरी है सर। क्योंकि आज अपने साथ में एनएलएम के शीर्ष महोदय बैठे हैं, मैं कोशिश कर रहा था दिल्ली जाने की पर आज मेरे को पहले मौका मिल गया। तो टोटल आज की यदि मैं बात करूं तो टोटल 78% जो अप्रूवल मिली है वो शीप एंड गोट फार्मर्स को मिली है, क्योंकि शीप एंड गोट फार्मर्स ने ही इसमें ज्यादा अप्लाई किया है। तो फीड एंड फोडर पे जो मैंने बताया था एक अमाउंट, उसमें से केवल 77 फार्मर्स को अप्रूवल मिली है। ब्रीड डेवलपमेंट स्मॉल रूमिनेंट्स की यदि मैं बात करूं तो 1527 एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है। यदि मैं पोल्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो 160 एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है, और पिग्री से यदि मैं बात करता हूं तो 197 टोटल एप्लीकेशन आज जो देश के अंदर 31,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन किसानों ने लगभग मई महीने तक जो अप्लाई किया था उसमें से केवल 1961 फाइलें अप्रूव हुई है। अब ये गैप देख सकते हैं किस तरह का गैप है। यदि मैं किसान हूं, आप किसान हैं, आप अप्लाई करते हैं 12 महीने के अंदर या एक साल तक की भी आपकी फाइल अप्रूवल नहीं होती तो किसान का सर सपना टूटता है। मैं इसके लिए एनएलएम के शीर्ष अधिकारी गणों का भी और हमारे स्टेट पशुपालन विभाग के अधिकारी गणों का भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाए। कुछ और प्रॉब्लम्स है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। यदि मैं बेसिकली सब्सिडी की बात करता हूं तो ऐसे कितने किसान है जिनको पहली सब्सिडी मिल चुकी है, तो टोटल जो फीड एंड फोडर के अंदर जो 77 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी उसके अंदर से 36 फार्मर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, और पिग एंड शिप एंड गोट की यदि मैं बात करूं तो टोटल लगभग 679 फार्मर को सब्सिडी मिल चुका है। यदि मैं रूरल पोल्ट्री से रिलेटेड बात करूं तो 81 फार्मर्स को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, और पिगरी से रिलेटेड मैं बात करूं तो टोटल 90 फार्मर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थ्रू आउट इंडिया मिल चुकी है। टोटल की यदि मैं बात करता हूं तो 886 ऐसे किसान है 31,000 में से जिनको पहली किस्त मिल चुकी है। सर चैलेंजेस एनएलएम के अंदर जो चैलेंज आ रहे हैं उनसे लगभग 10 महीने पहले हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था विकानगर के अंदर, उसमें भी हमने लगभग 10 के आसपास चैलेंज ओपी चौधरी सर के सामने रखे थे, और आज मेरे को फकर है कि उसमें से मैक्सिमम जो चैलेंज थे वो एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, उनके अंदर सुधार किया जा चुका है, फार्मर को रिलैक्सेशन दिया गया है। पर आज भी सर फार्मर के पास में अनेकों ऐसे चैलेंज है। एक नया चैलेंज निकल करके सामने आया है सर्टिफिकेट रिलेटेड। आज बहुत से मैं ऐसे लोगों को देख पा रहा हूं जिनके पास में ना ही वेटनरी की डिग्री है, ना ही वेटनरी का डिप्लोमा है, ना ही पशुपालन के बारे में कोई जानकारी है, और भेड़ एवं बकरी पालन का 7 दिन का 5 दिन का सर्टिफिकेट बना करके किसानों को गुमराह करने का लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा या पशुपालन विभाग के द्वारा एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जाए जिसके अंदर क्लियर कट ये लिखा जाए कि ऐसे संस्थान जो भेड़ एवं बकरी पालन से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आईसीआर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हो या स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, उनका सर्टिफिकेट वैलिड किया जाए, या वेटनरी ऑफिसर या सीनियर वेटनरी ऑफिसर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके दे रहे हैं किसान को उसको वैलिड किया जाए। क्योंकि सर आज ई मित्र पे जो काम करने वाला जो ई मित्र वाला दुकान वाला है वो किसान से 5,000 रुपए लेकर के और उसे भेड़ बकरी पालन के 7 दिन के अनुभव का सर्टिफिकेट बना करके दे रहा है, और सर बड़ी बात यह है कि अप्रूवल भी ऐसे लोगों को मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि उनके फार्म रिजेक्ट हुए, अप्रूव भी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा सर इसमें इंप्रूवमेंट करने की मेरे ख्याल से जरूरत है, क्योंकि सरकार ने देश ने इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले हैं पशुपालन विभाग के माध्यम से और आईसीआर के माध्यम से, और आज मेरे को बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि लगभग 750 के आसपास देश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, हर लगभग हर जिले के अंदर 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पे एक पशुपालन विशेषज्ञ होता है जिसका पर्टिकुलर काम फार्मर को अवेयर करना और ट्रेनिंग देना होता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ में फार्मर जुड़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे जो सर्टिफिकेट है उसको सर थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाए।
थे, ऐसा ये पेंडेंसी सर एक बहुत बड़ा इशू है, तो थोड़ा सा उसको सर इंप्रूव किया जा सकता है। सेड से रिलेटेड सर, सर हिली एरियाज के अंदर किसान यदि 9000 स्क्वायर फीट का सेड बनाने लग जाएगा तो उसके पास में सर इतनी मेरे ख्याल से जगह की कमी होगी, और यदि यहाँ पे बनाएगा तो कॉस्ट भी शायद ज्यादा नॉर्मल एरिया से हिली एरियाज के अंदर ज्यादा रहेगी। तो हिली एरियाज के फार्मर को मेरे ख्याल से सर इसमें सेड से रिलेटेड कुछ थोड़ा रिबेट दी जा सकती है, थोड़ा छोटा सेड बनाने की या मल्टी स्टोरी सेड बनाने के लिए सर हिली एरियाज के फार्मर को इसके अंदर कुछ दिया जा सकता है सर, ये मेरा एक सुझाव है सर। बैंक से रिलेटेड सर, आज भी सर किसान बैंक के पास में इस स्कीम से रिलेटेड जब कोई क्वेरी करने के लिए जाता है तो 99% बैंक मैनेजर या एग्रीकल्चर जो ऑफिसर होता है वो सीधा बोल देता है कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। जब इस स्कीम को लगभग 10 साल होने को हो गए सर, आप जैसे महानुभाव, आप जैसे कर्मधारी जो व्यक्ति हैं, इतने बड़े लेवल पे बैठ करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आयोजन करवा रहे हैं, उसके बाद में सर फार्मर को एक सीधा छोटा सा जवाब दे दिया जाता है कि इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। तो सर स्टेट लेवल पे मैंने एक आगे टॉपिक भी इसमें डाला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट एनएलएम ईडीपी के तहत चलाए जाएं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र की सर सहायता ली जा सकती है, पशुपालन विभाग की सहायता ली जा सकती है, हम जैसे जो यूनिवर्सिटीज के जो अधिकारी हैं उनकी सहायता ली जा सकती है, आईसीएआर के इंस्टीट्यूट हैं इनकी सहायता ली जा सकती है। तो जो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अटारी के लेवल पे भी सर बैठे हैं सहायता ली जा सकती है, क्योंकि अटारी के अंडर में सभी लगभग कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र पे भी एक इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, और उनके अंदर पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जोड़ते हुए साथ में बैंकर्स को जोड़ना सर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपन लोगों की, क्योंकि किसान जब बैंक के पास में जाता है, बैंकर्स के पास में जाता है, तो छोटे से जवाब के साथ ही किसान को नर्वस करके घर भेज दिया जाता है, जो किसान का 50 लाख का सपना होता है वो केवल एक स्कीम ही नहीं इसमें ही कैंसिल हो जाता है। सर इसमें एक रैबिट फार्मिंग यूनिट भी स्टार्ट की जा सकती है, मेरा छोटा सा सजेशन है सर। आपने खास करके हमारे राजस्थान वासियों के लिए बड़ा दिल दिखाया, कैमल फार्मिंग आपने इस एनएलएम के अंदर ऐड की है, हिली एरियाज के जो फार्मर हैं उनके लिए आपने खच्चर पे भी आपने स्कीम इसके अंदर ऐड की है, साथ ही साथ में घोड़े पे जो लोग किसान काम कर रहे हैं उनके लिए इस स्कीम के अंदर भी आपने कार्य सर आपने स्टार्ट किया है। तो रैबिट से रिलेटेड भी सर इसके अंदर किया जा सकता है पोल्ट्री की तर्ज पे, क्योंकि ये जो संस्थान है CSWRI अपन गढ़सा की बात करते हैं या अपन अविका नगर की बात करते हैं, बीकानेर का इनका जो सेंटर है उसकी बात करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, रैबिट यूनिट आज के समय में काफी सक्सेस यूनिट है, और फार्मर सर इस लेवल पे भी आगे आ रहा है। फार्मर यदि शौकिया तौर पे भी मैं कहूं पेट एनिमल्स के रूप में भी रैबिट को पाल रहा है, और कॉमर्शियलाइज भी इस तरफ फार्मर कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ भी आ रहा है, तो रैबिट फार्मिंग को भी सर एनएलएम स्कीम के अंदर डाला जा सकता है, इस पे ऐसा कुछ किया जा सकता है। छोटे से मेरी तरफ से की पॉइंट्स बनाए गए हैं बेसिकली फार्मर्स के लिए हैं, पर वेटरनेरियंस के लिए भी मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले जब फार्मर काम करता है तो उसको अपने को एक चीज पूछनी है कि आपको क्या काम करना है, भेड़ पे काम करना है या बकरी पे काम करना है, क्योंकि फार्मर का कोई टारगेट फिक्स नहीं होता, उसे केवल सब्सिडी दिखती है, ये बेसिकली कह रहा हूं मैं सबके सामने बोल रहा हूं। फिर ये फार्मर तैयार होता है कि मैं बकरी पे काम करना है या भेड़ पे काम करना है, तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो वूल पे काम करना चाहता है, वो मीट पे काम करना चाहता है, वो मिल्क पे काम करना चाहता है। कई बार ऐसे किसान मैंने देखे हैं जो काम करना तो दूध पे चाहते हैं और बकरी मीट वाली ले आई, तो ऐसे लोगों को अपना कर्तव्य बनता है कि उनको उसके हिसाब से थोड़ा सा बताया जाए। फिर सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, यदि कोई मिल्क पे काम करना चाहता है तो वो किस तरह की ब्रीड काम में ले, किस तरह के एनिमल्स काम मिले उस पे काम करें। यदि फार्मर ब्रीड का सिलेक्शन भी कर लेता है, आज मैं सिरोही बकरी की यदि बात करूं, यदि केवल कोई किसान सिरोही बकरी पे काम करना चाहता है तो भी मार्केट में या किसानों के पास में कम से कम 100 तरह के सिरोही ब्रीड के एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं सिरोही के जो 3 से 4 लीटर दूध भी दे रहे हैं, और ऐसे एनिमल्स भी सिरोही के देखने को मिल सकते हैं जो अपने बच्चे का पेट भी पूरा नहीं पाल पा रहे, यानी आधा किलो लीटर दूध भी बड़ा मुश्किल से हो पाता है। तो अपन लोगों को फार्मर को यह भी अवेयर करने की जरूरत है कि आप जो एनिमल्स का सिलेक्शन करते हैं वो अच्छे एनिमल का सिलेक्शन करें, क्योंकि ये ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए ये स्कीम है, तो इसका भी जरूरी है। इसके बाद में मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे ब्रीडिंग की बात करूं मैं, फीडिंग की, ब्रीडिंग की, हीडिंग की या डिजीज मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी फार्मर को थोड़ा सा अवेयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि किसान ले तो आता है
पर एक दिन सर जब मैं खुद कैलकुलेशन करने के लिए बैठा कि 500 भेड़े एवं बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे जब रखते हैं पालते हैं तो पर ईयर का 35 लाख रुपए का खर्चा हो पाता है, तो वो भी अपने को फार्मर को बताना है कि आप स्टॉल फीडिंग पे काम करते हैं तो आपका एक साल का कितना खर्चा आ सकता है, ताकि फार्मर मैक्सिमम फार्मर है वो फेल्योर होता है 1 ईयर के अंदर, और मैक्सिमम जो फार्मर है वो अच्छी फीडिंग नहीं होने की वजह से फेल्योर हो पाता है, क्योंकि अच्छी फीडिंग नहीं होगी तो प्रॉपर ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और पशु है वो एडेप्ट नहीं हो पाएगा। तो फीडिंग से रिलेटेड भी फार्मर को अवेयर करना जरूरी है, और मार्केटिंग, क्योंकि जब तक फार्मर किसान मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की नहीं करने लग जाएगा तब तक उसका प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो पाएगा। ये 500 भेड़ बकरियों की स्कीम करके या 50 लाख रुपए की सब्सिडी लेकर के यदि किसान 2000-5000 में खटीक को अपनी भेड़ या बकरी बेच रहा है तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो फार्मर को ये चीजें भी बतानी अपन सबके लिए जरूरी है। आप में से किसी साथी का कोई क्वेरी है तो मैं उसके लिए यहाँ पे मंच पे हूँ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मेरे को सुना और टाइम दिया। अधिकारीगण की किसी किसान की कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। वो अपना पैसा लगाना चाहता है, उसको बैंक की जरूरत नहीं है जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बैंक से तो जुड़ने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं, आपको जो सिक्योरिटी है वो 3 साल तक बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट 50% आपको सब्सिडी दे रही है, तो जो सब्सिडी के एवज के अंदर आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, बाकी आपको बैंक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गवर्नमेंट नहीं लेती, सिक्योरिटी बैंक लेगा। तो यदि आप सेल्फ फाइनेंशियल मूड के अंदर भी काम करना चाहते हैं तो जो सिक्योरिटी बनती है वो आप बैंक में जाके डिपॉजिट करें, 3 साल बाद अपनी सिक्योरिटी को आप वापस निकाल सकते हैं, आप फ्री हैंड हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे को सब्सिडी प्राप्त हो रही है उसकी सिक्योरिटी हमें पहले जमा करनी पड़ेगी। जी, थैंक यू सर। जी सर, यहाँ से नहीं सर, सिक्योरिटी के अंदर फार्मर बेसिकली अपनी लैंड रख सकता है। आजकल ऑलमोस्ट फार्मर की किसान क्रेडिट कार्ड्स बने हुए हैं तो बैंक के पास में ऑलरेडी है, पर जो उसके एवज में बनती है यदि किसी का केसीसी नहीं है तो वो अपनी लैंड केवल रख सकता है, ऐसा नहीं कि उसे कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। नहीं, वो बैंक गारंटी इसलिए हमने रखा था, हमें बहुत सारे चीज देखना पड़ता है ताकि हमारी जो 50 लाख रुपया जो जा रहा है उसका पूरा यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगा वो अपने पैसे से लोन रिपेमेंट करते हैं, यूनिट उनकी बन जाएंगी, हमारी पास एक सिक्योरिटी बॉन्ड दे दे जो 3 साल तक वो फार्म को कंटिन्यू करेगा, बीच में ना बेचेगा ना नाम चेंज करेगा ना ट्रांसफर करेगा, तो ये रास्ता आसान है। बैंक गारंटी हमने कोशिश किया है वेव आउट करना, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक फ्रॉड होता है, गवर्नमेंट का फंड इधर उधर चले जाता है, तो बैंक गारंटी इज वन ऑफ द सेफेस्ट फंडिंग सिस्टम, हमने कई केस हमारे पास आया भी था, तो इसलिए हमने बैंक गारंटी रखा है। इसका सर एक रास्ता छोटा सा और भी है, किसान यदि 100 भेड़ या बकरियों पे अप्लाई करता है तो टोटल उसका प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए का बनता है, तो वो छोटा सा अमाउंट बैंक से लोन ले ले, बाकी पैसा खुद लगा दे तो उसे सब्सिडी मिल जाएगी, किसी भी तरह का लफड़ा नहीं होगा, सबसे इजी यही है, छोटा अमाउंट लोन ले ले, 2 लाख का लोन ले ले, 8 लाख खुद लगा दे और 10 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी, तो वो ज्यादा बेटर है, किसी भी तरह की कोई इसमें फार्मर को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और बैंक भी उसमें इजीली एग्री होगा। सर, ये सब्सिडी बैक एंड है या कैसे?